मैं क्या, मेरी वसात इल्म क्या। कोई शख्स हतमी और कतई वक्त, दिन, महीना, साल, वक्त, मुद्दत, जमाना नहीं बता सकता। ये सब एक तखमीना है। बयान करना इसलिए जरूरी हो गया है कि जिस रफ्तार से लोगों ने सीदना इमाम मादी अलैहिस्सलाम को पैदा करना शुरू कर दिया है, ऐसे लगता है उनको कोई आम सा इंसान समझा जा रहा है, आम सा इंसान समझा जा रहा कि आएंगे और वफात हो जाएगी, मादी आए थे चले गए। ऐसे तो कई लोग दावे करते रहेंगे। तذکرہ इसलिए किया कि पता चले कि हुजूर की उम्मत का आखिरी खलीफा और इमाम जिस पर मेरे मुस्तफा ने फख्र किया वो इमाम मोहम्मद महदी होगा कौन और उसका जमाना क्या होगा। अब उनका जो पीरियड है वो अहदीस नबवी की कसीर तदाद में रिवायात और अहदीस को पढ़कर जो बात समझ में आई है वो अर्ज कर रहा हूं अल्लाह की मदद और आका अलैहिस्सलाम की उस खैरात के सदके और बलबोते पर। सुनने इब्ने माजा से इस बयान को शुरू कर रहा हूं और हदीस मेरी इस बात की बुनियाद भी हदीस नबवी है। सुनने इब्ने माजा किताबुल फितन बाबुल आयात, वो जो आखिरी 10 आयतें, वो जो मैंने क्यामत की बयान की जिनमें मादी अलैहिस्सलाम का पहला आना, सबसे पहले मादी अलैहिस्सलाम का ज़हूर, फिर दज्जाल का, फिर ईसा अलैहिस्सलाम का, इसी तरह फिर आगे याजूज और माजूज और दाबतुल अर्द और तुलूल शम्स इलन नफातिल सानिया और बास बादल मौत। ये जो 10 अलामतें बयान की आका अलैहिस्सलाम ने कसरत के साथ, हुजूर ने फरमाया क्यामत नहीं आएगी जब तक ये 10 अलामतें पूरी ना हो जाए। अहदीस की किताबें इस फरमान मुस्तफा से भरी पड़ी है। ये 10 अलामतें आखिरी अलामतें हैं, मुत्तसिल पैदर पे आएंगी। उस किताबुल फितन में एक बाब कायम किया है इमाम इब्न माजा ने, बाबुल आयात। क्या बोलिए? बाबुल आयात। और उसमें आपने 10 आयात बयान की है। ला तकूमु सआत हत्ता तकून अशरु आयात, जब तक ये 10 निशानियां जाहिर ना हो जाएं क़यामत नहीं आएगी। फिर आपने उन तमाम निशानियों को यके बाद दीगरे बयान फरमा दिया। उस बाब में सैयदना इमाम महदी अलैहिस्सलाम की के हवाले से भी आगे तस्कर आया है। उसके अंदर हदीस नंबर 4057 किताबुल फितन सुनन इब्ने माजा सियासिता की हदीस 10 निशानियां बयान करके ऊपर की हदीस में 10 निशानियां जो ऐन कयामत की आमद की हैं उन्हें बयान करके, यानी उन निशानियों में तसूकुन नास इलल महशर, कब्रों से उठकर मैदान हशर की तरफ जाना भी शामिल है, वो आखिरी 10 निशानियां उन्हें बयान करके आगे हजरत अबू कतादा रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत करते हैं और उनसे हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं। अनस बिन मालिक अन अबी कतादा था, قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल आयात बाद मिअतैन, ये हदीस, निशानियां किसी दूसरी सदी हिजरी में होंगी। अब तवज्जो से सुनते आइए, बादल में अतैन, जब भी आएंगी, सन हिजरी का 200वां साल होगा, यानी दूसरी सदी हिजरी होगी। क्या? उसके बाद निशानियां शुरू होंगी। अब आज कौन सी सदी हिजरी है? नहीं, वो 1000 साल बादल मिया है, इससे मुराद आगे आता है बादल मिया। जब 200 बताए ना तो 100 का जिक्र 1000 से पहले मुकम्मल हो जाएगा, फिर 1000 आ जाएगा, फिर मिया होगा, फिर 9 मिया, फिर 1000 का शुमार होगा।
तो इस वक्त पहला हजार साल खत्म होकर हिजरी सन की चार सदियां खत्म हो चुकी और पांचवी सदी शुरू है। समझ गए बात। ये थी सुनन इब्ने माजा। अब मिश्कात शरीफ दे रहा हूं। मिश्कात शरीफ, इसमें भी उसी तरह किताबुल फितन और बाबु अशरात इस्सा, क्यामत के करीब आ जाने की निशानियां, वो बयान की है। और उनमें वो फतेह कुस्तुनतुनिया और खुरूज उल मलहमा और दज्जाल और मलाहिम और इमाम महदी अलैहिस्सलाम का निकलना, वो सारी हदीसें और सारी तफसीलें आका अलैहिस्सलाम की इमाम ने बयान की हैं, इमाम तबरेजी ने किताबुल फितन के तहत करके फसल सालिस में। अब बयान करते हैं नबी कतादा था साहिब मिश्कात, काल काल रसूलुल्लाह अल आयात बादल में अतैन, ये फिर हदीस आ गई। फरमाते हैं कि ये निशानियां सन हिजरी में दूसरी सदी शुरू होने के बाद होंगी, किसी दूसरी सदी में होंगी। ये हवाला आ चुका। इसके बाद यही रेफरेंस, इसको इमाम हाकिम ने रिवायत किया मुस्तदरक में, और काला हदीसुन सहीहुन, इसी को इमाम जलालुद्दीन सियूती ने अलहावीर अलफतावा में रिवायत किया, और दीगर मुहद्दिसीन तो फिर रिवायत करते ही चले आए हैं। इसी को इमाम नुएम बिन हम्माद, जो इमाम बुखारी के शेख हैं, उन्होंने किताबुल फितन में रिवायत किया। इन तमाम अइमा और मुहद्दिसीन ने मुख्तलिफ रिवायात से बयान किया कि ये 10 आयात किसी बादल अल्फ, किसी हजार साल के बाद, दूसरी सदी हिजरी शुरू होने के बाद जाहिर होंगी। इन तमाम हदीसों को सामने रख लें, पहला उसूल कायम कर लें कि सदी, अब इसका तो कोई इंकार नहीं कर सकता। या इंसानों के अंदाजे बुझ गए, इंसानों के तखमीने जवाब दे गए, इंसानों की अकलें और उनके तफक्कुरात और उनकी कैलकुलेशंस खत्म हो गई, फरमान मुस्तफा हर एक पर गालिब आ गया, ताजदार कायनात ने तायजुन फरमा दिया, और कुतुब इतिहास सित्ता में और दीगर किताबों में इसकी तफसील वजाहत के साथ आ गई। यह अल मुस्तदरक इमाम हाकिम की मेरे सामने, इसकी हदीस नंबर 8319। अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काल अल आयात बादल में अतैन, दूसरी सदी हिजरी जब शुरू होगी तो उसके बाद ये 10 निशानियां जाहिर होंगी। वकाल हाज हदीसुन सहीहुन अला शर्त शैखैन, ये बुखारी और मुस्लिम की शरायत पर हदीस सही है। अब मौजूदा सदी हिजरी की हजार साल खत्म होने के बाद, ये 1425 हिजरी है, ये 1426 हिजरी है। हजार के बाद चार सदियां हो चुकी, पांचवी सदी शुरू है क्या? और आका ने फरमाया था ये 10 निशानियां, यानी याजूज माजूज का निकलना, दाबतुल अर्द का निकलना और दज्जाल का आना, ईसा अलैहिस्सलाम का आना, महदी अलैहिस्सलाम का आना, सूरज का मगरिब से तुलू होना, री का निकलना, सब मोमिनों का वफात पा जाना, जिंदा भी हैं और बता भी रहे, और झटके आने, नफखा आऊला और सानिया होना। फरमाया ये 10 निशानियां, हत्ता के कब्रों से जी उठना और मैदान मैशर में आना। फरमाया ये 10 निशानियां जब भी शुरू होंगी, दूसरी सदी हिजरी के शुरू में होंगी, आगाज होगा। अब आज शुरू है पांचवी सदी हिजरी। पहले उनको जाहिर होना चाहिए था जब हिजरी का सन था सन 1200 कुछ, 1200 हिजरी था, आज से 225 साल पहले जाहिर हो चुके होते,
और अगर 225 साल पहले जाहिर हो चुके होते तो आज हम मैदान हश्र में हिसाबो किताब दे रहे होते, नमाज जुमा पे ना बैठे होते। क्योंकि इस जमाने में दज्जाल भी गुजर चुका होता, सूरज का तुलू भी हो गया होता, याजूज माजूज आ गए होते, दाबत तो लर्द आ गए होते, सब 10 अलामतें पूरी हो चुकी होती। अब इस 1000वें साल की दूसरी सदी तो गुजर गई और उसके गुजरे हुए हो गए 225 साल। लिहाजा इमाम महदी को निकालने वाले इस 1000वें साल के खात्मे तक तो उनके निकालने का ख्याल बंद कर दें, उनके निकालने का ख्याल दिल से निकाल दें। यह तो हदीस नबवी है, यह तो हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, यह आका अलैहिस्सलाम का फरमान है। अब उसके बाद ज्यादा से ज्यादा बहुत करीब से करीब तर भी तसव्वुर कर लिया जाए, सारी बातों को एक तरफ रखकर करीब से करीब तर ये समझें कि अगली चंद सदियों में, 100 साल कोई थोड़ा सा अरसा नहीं है, इस 1000 साल के खत्म होने में अभी 625 साल बाकी, 6 सदियां बाकी, फिर 2 सदियां अगले 1000 साल की आएंगी। चूंकि 1000 साल के बाद में आते हैं, 200 साल बीतने हैं, तो गोया आज से 750 साल बाद, 778 साल बाद, आज से 780 साल बाद जाकर आएगी अगले 1000 साल की दूसरी सदी की इब्तिदा। बादल में अतैन फरमाया, असल वो इब्तिदा 100 से नहीं होनी शुरू, 2 सदियां पूरी होंगी बादल, 200 साल पूरे होने के बाद। तो फिर हकीकत जमाना 225 साल का नहीं गुजरा, 125 साल गुजरा है, यानी वो तीसरी सदी हिजरी शुरू हो जाती है। 200 साल गुजरने के बाद जब कहा जाए तो वो तीसरी सदी शुरू हो जाती है। इस लिहाज से 800 साल बाद जाकर वो तीसरी सदी शुरू होगी अगर उसी को तस्लीम कर लिया जाए, अगर उसी 1000वें साल को तस्लीम कर लिया जाए कि आने वाले अगले 1000 साल में 2 सदियां पूरे होने पर बादल अल्फ व बादल में अतैन, अगले 1000वें साल पर 2 सदियां बीतने के बाद जब तीसरी सदी की बिगिनिंग होगी, अगर उसी वक्त को मान लिया जाए तो 800 साल बाकी है, और अगर उस 1000 साल को ना माने तो फिर 100-200 साल की बात नहीं, फिर एक और 1000 साल आगे। मगर एक बात ताजदार कायनात ने तय कर दी है, इधर से इधर नहीं हो सकती बात, 1000वां साल बदल सकता है मगर सदी बदल नहीं सकती। मेरे आका ने तायुन सदी का कर दिया है कि सन्ने हिजरी में जब 200 साल पूरे होंगे, यानी तीसरी सदी हिजरी शुरू होगी, तो आयतों का जहूर शुरू हो जाएगा, और सबसे पहला जहूर इमाम महदी अलैहिस्सलाम का है। अब आप मुझसे पूछेंगे कि इमाम महदी अलैहिस्सलाम का जहूर इस हिसाब से किस सन में बनता है, आइए वादा निभाना चाहता हूं, बात रोकता नहीं हूं। 1000 साल का तायुन नहीं किया जा सकता, अलल अकल अगर करीब से करीब तर समझ लिया जाए कि 800 साल का अरसा कोई मामूली अरसा, उसमें दुनिया में बड़े तगैयुरात हो जाएंगे, बड़े इंकलाबात आ जाएंगे, और ये सारे हालात अगले 800 साल के अंदर पैदा होने का इम्कान है। अगर यह तसव्वुर कर लिया जाए, अगर तो उस अगर के आर्टिकल पर बात कर रहा हूं, तो फिर 800 साल बचे, और इस पर सन इमाम महदी अलैहिस्सलाम का पूछा गया
کہ دو صدیاں گزرنے کے بعد تیسری صدی کے شروع میں ظہور ہوگا، مگر کوئی خبر امام مہدی علیہ السلام کی کہ وہ آئیں گے کب، اور ان کے دست اقدس پر بیعت کب ہوگی، ظہور کب ہوگا، اعلان کب ہوگا. امام نعیم بن حماد کتاب الفتن میں روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں اجتماع الناس علی المہدی، یہ میں کتاب الفتن، امام نعیم بن حماد جو امام بخاری امام مسلم ترمذی کے شیخ ہیں ان کی کتاب سے روایت دے رہا ہوں، جس کو امام جلال الدین سیوطی نے الحادی للفتاوی میں اور دیگر ائمہ اور محدثین نے بھی لیا، مگر اتنا قلیل بیان ہوا کہ اکثر نظروں سے وہ جل رہا ہے. آج وہ چیز منظر عام پہ آ رہی ہے. وہ روایت کرتے ہیں کہ امام مہدی کا ظہور ہوگا، ان کے دست اقدس پر بیعت ہوگی، اور سن ظہور امام مہدی کا 204 ہوگا. سن بولیے 204 ہجری میں امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا. یہ میں نے ریفرنس دے دیا الحادی للفتاوی جلد 2 صفحہ 139 اور کتاب الفتن امام نعیم بن حماد جلد اول صفحہ 334 اور حدیث کا نمبر 962. فرمایا کہ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور اور امام مہدی علیہ السلام کا اعلان اور آپ کے دست اقدس پر بیعت سن 204 میں ہوگی. اب سن 204 ہجری کو جب سامنے رکھا تو میں نے عرض کر دیا وہ 204 ہجری اس ہزار سال کا تو ختم ہو گیا. اب اگر قریب سے قریب تر تصور کیا جائے، قریب سے قریب تر، اور سمجھا جائے کہ 800 سال میں سارے حالات ان بیان کردہ حقائق کے مطابق بدل چکے ہوں گے، تو اس قیاس پر علی الاقل امام مہدی علیہ السلام کا ظہور اگر قریب سے قریب تر ہو سکتا ہے تو وہ سن لیں وہ سن 2204 ہجری میں ہو سکتا ہے. سن 2204 ہجری میں، یعنی آج ہے 1426 ہجری، کیا ہے، اور کم سے کم مدت اگر ان کے ظہور کی ہو سکتی ہے تو وہ 2204 ہجری، آج سے 778 سال بعد. یہ علی الاقل کم سے کم مدت ہے. اگر وہ ہزار سال آنے والا ظہور مہدی کا اور قرب قیامت کا سال ہے، نہیں تو پھر وہ اگلے ہزار سال پر جا سکتی. ہزار سال بدل سکتے ہیں مگر سن 204 نہیں بدل سکتا. لہذا علماء جب بھی ظہور مہدی کی بات کریں دائیں بائیں دیکھ لیں کہ صدی کون سی ہے، کسی غلط صدی کا تعین نہ کریں کہ ظہور مہدی اور ظہور عیسیٰ کی آیات 200 سال ہجری کے پورے ہونے کے بعد ظاہر ہوں گی. اس ہزار سال کا عرصہ گزر گیا، اب کم سے کم زمانہ 2204، یہ ظہور امام مہدی کا سال ہوگا. واللہ اعلم بالصواب، اگر اللہ پاک کو یہی معلوم ہے میرے کہنے میں خطا ہوئی تو میں اللہ پاک کی بارگاہ سے معافی کا خواستگار ہوں. اگر یہ بات حق ہے تو حق اس لیے ہے کہ آقا علیہ السلام کا فرمان حق ہے. وما علینا الا البلاغ.